अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। सो नागपुर आए हुए हैं और काफ़ी लंबे वीडियो हो रहे थे तो मैंने शॉर्ट कर करके डाले कि आप लोग को इजी पड़े देखने में, आप लोग के लिए से ही ये डाला है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये थी स्कूटी, जहाँ सीरी नाम लिखा है गाड़ी में, इस ये वाली स्कूटी में जो फर्स्ट हम लोग की स्कूटी है और सेकेंड वाली जो मेरे लिए लिए हैं, अभी उसमें नायमा का नाम लिखवाना है। और ये रही कैंटीन, जो कि साइड में ऐसे बनाए हैं काफ़ी अच्छा, और पहले छोटी थी और देखिए धीरे धीरे करके, और अभी मैं आई तो देखिए ये भी रूम निकल के काफ़ी बड़ा और अलग लुक हो गया। और मैं आ रही 7 मंथ बाद कैंटीन, नहीं तो अक्सर हम लोग 2-4 दिन में कुछ ना कुछ चीज़ें लेने आ जाते थे। और देखिए कितना सारे सामान भर गए हैं। और ये है पूरे सैंडल शूज, गर्ल्स बॉयज़ मतलब लेडीज जेंट्स की हैं, काफ़ी अच्छे और अच्छी कंपनी की होती हैं और मजबूती बहुत रहती है। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रांड हो कोई भी ले आते हैं, ऐसे ही नहीं रहता। यहाँ सब चीज़ें ब्रांडेड क्वालिटी वाली होती हैं, बिना उसके बिल्कुल नहीं रहती हैं। और ये देखिए अब मैं इंटर कर रही हूँ, अंदर जाती हूँ और आपको बताती हूँ कितनी सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। फ्रंट में भाईजान बैठे रहते हैं हमेशा, और अब पहचान हो गई है बिल्कुल, हमेशा ही जाते हैं हम लोग तो सब पहचानने लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और मैं बता रही हूँ यहाँ सामान ऐसा रखा है कि एक बंदा ही चल सकता है, अगर दो चलेंगे तो चलते नहीं बनेगा, एक बंदे की लाइन ही है। तो मुझसे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम, और मेरे पास वैसे भी वक्त बहुत कम था, मुझे अगर मैं वीडियो बनाती ज़्यादा तो फिर मैं ले नहीं पाती सामान। तो मैंने जल्दी जल्दी वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा आया और फिर सामान वीडियो बंद करके और सामान लिया, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से लेती तो फिर बिल्कुल नहीं होता, टाइम बहुत कम था। और ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट कितने सारे हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं, मैं तो इस्तेमाल करती हूँ हमेशा, तो मैंने सोचा फिर ले जा लूँ यहाँ से। और काफ़ी सारे इस बार डीओ मसाले पूरे रहते हैं, ग्रेवी रेडी रहती है, बस आपको डाल के पकाना होता है। देखिए पापड़ आए हैं, पूरे वेराइटी के आए हैं, बहुत सारे थे तो उसमें से मैंने कुछ ले आई थी, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले हम लोग ने कैंटीन से नजू ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो चले जाते हैं अक्सर, तो ले आते हैं। इस वजह से मैंने इस बार पापड़ एक ही लाई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी घर में पहले से कैंटीन का सामान ही रखा हुआ है। तो मुझे बास्केट नहीं मिला था क्योंकि बहुत सारे यहाँ भीड़ थी, बहुत सारे पास था, तो फिर मैंने उनको बताया कि मुझे जल्दी है और सामान रखना लेना, तो फिर उन्होंने जो बकेट है सर्फ में फ्री मिलती है यहाँ ऑफर में चल रहा था, तो फिर वो बकेट दिए, बोले इसमें रख लो आप अभी जल्दी है तो। और फिर मैंने इसमें से जीरा वगैरह ले ली थी और मैंने कुछ कुछ सामान ली हूँ। सो आपको घर पहुँच के ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कैंटीन से क्या क्या सामान ली। अभी मैं जल्दी में हूँ तो ये चीज़ें ले रही हूँ, तो आपको बता दे रही हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। इससे पहले जो बजाज का नॉन स्टिक की कुकर घर आया है तो वो भी नज्जू ने खुद यहाँ से कैंटीन से ड्यूटी से आए थे तो लेके यहीं कैंटीन से लेके गए हैं। और ये देखिए नीचे ऊपर पूरा सामान फिक्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक से लेके ऐसा कोई भी सामान नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। ये देखिए बिस्किट रखी है और वो भी गुड डे। तो मैं बता रही थी कि सारी ब्रांडेड कंपनी की अच्छी चीज़ें रहती हैं। और इस बार तो विनेगर वगैरह, कॉर्नफ्लोर और पूरे बेकिंग के पूरा सब कुछ, साबुन वगैरह इतनी सारी आई थी, ऑयल आया था और डियो परफ्यूम तो बहुत सारे आए हुए थे। तो मेरे पास तो साबुन वगैरह सब हम इकट्ठा ले जा लिए थे, तो सारी चीज़ें बहुत सारी रखी हुई थी। तो मैंने और हम अब मैं तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें ले जाना चाहती थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग को ऑलरेडी जैकेट वगैरह स्वेटर लेके जाना है और उसके साथ फिर ये सामान हैवी हो जाएगा, तो मैंने कम ही ले गई, मतलब बहुत कम सामान आया था, बहुत सारा मुझे चाहिए भी था ये सारी चीज़ें, बट वज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग नहीं ले जा पाएंगे। और ये देखिए लोशन था कोको बटर वाला, काफ़ी अच्छा रहता है, ये भी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, बट मैंने इससे दूसरा वाला ली हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं नज्जू से पूछी थी, फ़ोटो खींच के पहुँचाई थी कि ये लूँ या वो वाला लूँ, तो फिर वो बोले वो वाला ले लो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पाठक की दुकान से भी ले आए हैं। और ये वाला क्या है, काफ़ी लगता है ठंड में, हम लोग क्या कंटिन्यू सुबह शाम लोशन लगाते, मैं तो बच्चों को पूरे टाइम लगाती रहती हूँ कि बिल्कुल उनकी स्किन डैमेज वगैरह ना हो।
और ये देखिए ये कितने सारे बर्ड्स वगैरह और टोस्ट वगैरह आए थे, और बच्चों के सामान पैम डायपर टिश्यू पेपर और हिमालया का प्रोडक्ट, बच्चों से लेके ऑयल वगैरह सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आई थी यहाँ पर। और ये देखिए रेड चिली सॉस, पूरे सॉसेस थे बट मेरे पास रखे थे, मन कर रहा था बट वही है ले जाने वाली प्रॉब्लम है अभी तो है, अभी तो वैसे भी ज़्यादा कोई चीज़ ऐसे खा नहीं रहे हैं अपन। और जूसेस वगैरह भी रेडी मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो कि रेडी थी, सिर्फ आपको कुक करना है। आजकल बहुत इजी हो गया, कोई जैसे सिंगल रह रहा है तो उसको खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इतनी इजी सामान निकल गए कि आप खोलो पैकेट कुक करो और खा लो, इस तरीके से सारी चीज़ें रेडी मिल रही थी। ये देखिए मैंने ली हूँ हनी वाला, वो था कोको बटर वाला और ये हनी वाला था, तो नज्जू को हनी वाले बहुत पसंद है तो ये मैंने हनी वाला एक रख ली थी, और मैंने रेड लेबल चाय पत्ती रख ली थी और एक और दूसरी वाली रख ली थी, ट्राई के लिए रखी थी वो वाली चाय पत्ती, क्योंकि अभी तक देखिए मैंने इतना सामान ली हूँ अभी। और ये देखिए मेरे पास क्या है, बकेट है, और फिर मैंने सारा सामान ले ली थी, वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि वीडियो के साथ नहीं ले पा रही थी मैं जल्दी, भीड़ भी काफ़ी सारी थी। और ये देखिए शूज़ बाहर थे, जो कि अभी हम नज्जू ने शूज़ सैंडल लिया है तो मैं उन लोग के रेट वगैरह पूछ रही थी कि कितना क्या है, और मैं निकल गई हूँ अब बाहर क्योंकि मैंने सारा सामान ले ली हूँ और जल्दी भी था, मुझे लेना तो बहुत सारा था बट मैं निकल चुकी हूँ बाहर सारा सामान ले के। अच्छा नाम लिखना है, एंट्री का नाम फरहान अंसारी, ये नवाज अंसारी। नाम लिखना है ना बस, क्यों नाम? कैंटीन से निकल के मैं नज्जू को लेने चली गई थी हेयर कटिंग वाली शॉप पे, फिर वहाँ से नज्जू के साथ हम लोग निकले और ये हम आ चुके हैं जाफर नगर, जहाँ पर हम लोग को दोपहर का खाना खाना है। तो ये नवाब बिरयानी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, तो यहाँ से नज्जू ले रहा है बिरयानी, सो हम दोनों डिनर दोपहर का खाना खाएँगे क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादा कुछ खाए नहीं थे, बस काम ही काम कर रहे थे इधर उधर अपना। और ये देखिए नज्जू ले रहा है और अब हम लोग बिल्कुल घर के लिए निकल रहे हैं। सो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं 7 मंथ बाद अपना घर फिर से देखूंगी, सो आपको भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।